जैसे ही इकत्र हुए हैं। वैसे पंजाब की कहावत भी है, पंजाब के जमिया नित मुहिमा शायद मुहिमा से किसी जंगा के भाव तोड़ लेंगे होंगे, पर अज ये भी साढ़े लिए भी चैलेंज एक नहीं है। वैसे साढ़े लिए बहुत सारिया चैलेंज है, बेशक असी एक भक्त का मसला है, पंजाब की मोड़ना जुड़े बहुत भाषा की भी समस्या है, होर बहुत सारिया समस्यावान ने जिन्हों का आप इतनी जिक्र ना करिए। अज की जिस गोष्ठी के असी बैठ के चिंतन कर रहे हैं, वैसे सब तो पहला तो मैं इस संस्था सिख जत्था मालवा इन्हों बधाई दूंगा जिन्होंने इस संस्था ने उपरला किया, क्योंकि इस संकट का असल मुढ़ला हल यही है चेतन का। समस्यावान भी सू पता ने, इस मेरे ख्याल से हर बछिंदे को भी गल पता है भी साढ़े जल का संकट है जोड़ा एक दैनवान मूँह अड्डी खड़ा है, शायद आने वाली जी जनरेशन है वो इसका नतीजा जोड़ा भुगतेगी, मेरे ख्याल से सारे सानू पता है, पर फिर भी ये मसला ज्यों का त्यों खड़ा है। ये चेतनता ही इहदा मुढ़ला हल है, जिस दे नाल असी जिहड़े कारण ने उन्हां ते नज़र मारीए ते जिन्हां दे कारण दी वरतों पाणी दी सुचज्जी वरतों वल थोड़ा ध्यान दईए, अपने तो अपने परिवार तो अपने खेतीबाड़ी वाले सैक्टर पक्ष तो जे पानी की असी बचत करांगे जां उसकी सुचज्जी वरतों की गल करांगे फिर ही संकट नूं छड पै सकदा। मैं वैसे जो विद्वान सज्जनां ने कुछ गल् पेश कीतियां मैं उन्हां नाल ही ज़्यादा समां नहीं लवांगा। साढ़े सरकार जो प्रोफेसर भैन जी ने गल की सी कुछ देशों के आंकड़े सानू दिते सी इन्हां ने भी बहुत सारे ऐसे देश ने जिन्हां कोल जिहड़ी फ्रैश वाटर है जिहड़ा पीण योग पानी है वो बड़ी तादाद दे विच है, उन्हां नूं चिंता नहीं। पर मैं पिछे जिहे आंकड़े पढ़े ने मेरे ख्याल च साढ़े नालों जिथे पानी की घाट पैदा हो रही है और उन्हां कोल पानी की घाट बिल्कुल भी नहीं, पर साढ़े नालों ज़्यादा चिंतित है। मैं पढ़े आंकड़े अमेरिका 70% पानी कनेडा दी झीलों तो लै रहा है, कनेडा ने 70-80% जिहड़ा पानी है सिर्फ झीलों तो लैके वरत रहा, जिहड़ा ग्राउंड वाटर है उन्हें सेफ रखा। जिन्हां कोल पानी की घाट कोई नहीं मिली वो ज़्यादा चेतन ने सन तो उस तो भी ज़्यादा चेतन होना चाहिए सी, पर देर है कि दुरुस्त आए जदों साढ़े ध्यान चाहिए गल घट्टो घट्ट हूँ तो सू तहैया कर लेना चाहिए। कुछ पिछे जी एक मैं कुछ पॉइंट जी साझी कराँगा ता कि समय की बचत हो, आप जी ने भी सब ने पढ़िया होगा, कोई किसान यूनियन से मैं नाम भुल गया उन्होंने एक नवा मॉडल पेश किया, चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफ़ी उन्होंने नुकते दसे उन्होंने मैं एक साझा कर रहा, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिखी सी भी चलो सरकार भी उन्हें प्रति है होना चाहिए भी जिथे नहरी मोगे ने उत्थे रीचार्ज सिस्टम चाहिए, जो बरसात हो जाती इवन कि झोने का टाइम है उदो नहरी पानी की इनका खेतों में लोड़ होती है, वो सारा पानी जब ड्रेन के जिन्हों का कोई मूँह सिर नहीं है जाके ड्रेन सिस्टम जाके घग्गर जरा कि दूषित पानी वो चलिया जाता है तो नुकसान भी कर रहा तो ना सा वरतों भी नहीं आ रहा पानी में जो फ्रैश वाटर है उसमें भी वो दूषित कर रहे हैं। इसते भी सानू ध्यान देने योग है कि नहरी मोगे जिथे सूए के मोगे लगे हैं उ रीचार्ज सिस्टम जो बनाए जा मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है, बाकी होर बहुत सारे पॉइंटा के नाल ये भी एक फ्रैश वाटर है जोड़ा उत्तर होना चाहिए। दूसरी गल मैं एक भी शामिल करना चाहता बी जे कुछ सज्जणा को खेतीबाड़ी सैक्ट कुछ तो अच्कल तो साढ़े को गुजारे वाली खेती रह गई, पर जिन्हें सज्जणा को रकबा चौखा है घट्टो घट्ट उन्होंने अपने खेत कि टोभा बना के रीचार्ज सिस्टम लाना चाहिए, घट्टो घट्ट नहर के खाल का मोगा उदो उ कर दिता जाए जो पानी की लोड़ ना हो, जे असी खेतों वाला पानी धरती च पा रहे हैं बहुत सारे लोगों ने सिस्टम भी बनाया हुआ पर उदे विच सारी साड़ी स्प्रे साडा सारा यूरिया वो उदे विच जा रहा धरती के जोड़ा कि दूषित होने का पानी बन रहा,
रीचार्ज वाटर करना है तो वो सू फ्रैश वाटर ही धरती नीचे भेजना जरूरी है। रीचार्ज के नाते असं खेतों बोर करके रीचार्ज कर रहे हैं, पर सारा जिन्ना साड़ी फर्टिलाइजर है जो असं कैमिकल यूज कर रहे हैं वह सारे का सारा असं धरती खुद मतलब एक पक्ष तो असं सोच रहे हैं भी शायद रीचार्ज करके साडा भला होगा, दूजे असं पानी जी लेयर है वो पूरी की पूरी असं दूषित कर देते हैं। खैर एक यही गल है जिते खेती सैक्टर के ज़्यादा जो असं जल्दी गल कर रहे हैं खेती सैक्टर से सब तो वादा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, किसान वेस्ट कर रहे हैं तो एक शहरी सैक्टर है जो जो मनफी है। जे एवरेज की गल करिए असी सत्त अठ एवरेज हद कोई अच्छा डूंगा बोर है ज़्यादा पावर मोटर है वो 10 एकड़ तक 8 से 10 तक एक मोटर है जी वो वर्क कर रही है तो करती भी ज़्यादातर 3-4 महीने में ज़्यादा पानी कड़ती है तो बाकी कणक के लिए नामांतर पानी, पर शहरी सैक्टर की तुम एवरेज कट के देखो एग्रीकल्चर सैक्टर में 7-8 किलियां के पीछे एक 4 इंची प्रैशर है, 4 इंची प्रैशर तुसी एक कलोनी जी कि 2 किलियां की है वो जिन्हें साढ़े सबमर्सिबल पंप लगे हुए मेरे ख्याल घट्टो घट जो 2 किलियां ने मेरे 15 मिनीमम उत्थे समरसीबल पंप होने तो वह 15 इंची प्रैशर तो इस सैक्टर असी काम भी उत्तर बहुत खुला वेस्ट बहुत चल रहा है घट्टो घट इन्ना को होना चाहिए शहरी खेत जो वाटर सिस्टम है वाटर बक्स ने टैंकी वाला सिस्टम है वह भी प्रपोजल होनी चाहिए है इन उत्ते पाबंदी लगनी चाहिए ग्राउंड वाटर है जो अपने आप कर रहे हैं पिंड जो वाटर वर्क सिस्टम है सर्दे पूजने घर तक वो यूज नहीं कर रहे घट्टो घट उस सारे पिंड रल के उन्होंने मजबूत करना चाहिए नहीं तो अजकल बेड़िया के भी अलग अलग समरसीबल मोटर होर ज़्यादा लगाई जा रही पुन के नाम से तो जो कि वाटर बक्स चिट्टा हाथी साढ़े साबित हो रहे जो कि सरकार ने सू की जे देखो थोड़े थोड़े पॉइंट पर जाके सू जो है ये खड्डा ने जो पानी वाली बंद करनी पड़ेगी। एक लास्ट मेरा पॉइंट यही है भी कुछ देखो उपराले सरकार पद्धर से भी किए जाते बेशक वो सेंटर लैवल से या स्टेट लैवल से ये एक कमी देखने आई है भी जो सरकार का साढ़े लोगों का आपस तालमेल नहीं है असी अपने जतन अच्छे उस जतन के अंदर इतने बैठे असी अपना जतन कर रहे सरकार अपना जतन कर रही किसी भी एक पॉइंट सा फोकस नहीं है तालमेल नहीं है ये तालमेल भी कुछ संस्थावान बेशक वह संपूर्ण नहीं कुछ कमियां भी होंगे ने सरकार वालों प्रपोजल लिया जाए ये सरकार भी थोड़ा सोचना चाहिए वो प्रपोजल जिन्होंने पिंड के लोगों को शामिल किया जाए प्रपोजल बनाने के ता कि उसू चढ़ाया जाए सिरे तो उसका कोई रिजल्ट भी मिले जो प्रपोजल बढ़ जाती है तो थोड़ा बहुत उसने किया स्कूलों में पिछले सरकार वालों आया से रीचार्ज सिस्टम बनाया जाए रीचार्ज सिस्टम के घटो 15-20 हज़ार रुपया सरकार ने ग्रांट दी 5 हज़ार रुपया वो जापता जाओगे ना वो रीचार्ज इस तरह की जी तालमेल है थोड़ा होना चाहिए सो इन मैं बेनती अपने मदद जा चुका है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।